गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एट होम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश रीडर क्लास सेकेंड एंड लेसन आल्सो सेकेंड। सो लेट्स बिगिन। लेसन सेकेंड नेम इज रिंसी पैक्स द पिकनिक बास्केट। रिंसी पिकनिक बास्केट पैक करती है। आइए देखते हैं डिटेल में। डोंट फॉरगेट माई फ्रिस्बी, रोहन सेड। रोहन ने कहा, रोहन ने क्या कहा, मेरा फ्रिस्बी पैक करना मत भूलना। फ्रिस्बी एक तरह का खेलने का सामान होता है, प्लास्टिक का बना होता है, गोल प्लेट नुमा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है, आगे हम उसको बता देंगे। सो नेक्स्ट लाइन चलते हैं। रोहन इज रिंसीज यंगर ब्रदर। रोहन रिंसी का छोटा भाई है। समझ में आया? चलिए। ही इज विजिंग अराउंड इन द बैकयार्ड ऑन हिज साइकिल। वो अपने साइकिल पर पिछले आंगन में या पीछे के आंगन में साइकिल से चक्कर लगा रहा है, इधर उधर घूम रहा है। विजिंग मीन्स होता है तेज तेज चलाना या घर घर की आवाज़ करना, तो मतलब वही चलाते हुए घूम रहा है बैकयार्ड में। रिंसी इज बिजी। बिजी मीन्स व्यस्त। रिंसी व्यस्त है किस चीज में? मेकिंग अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाने में। रिंसी इज बिजी मेकिंग अ लिस्ट। रिंसी एक लिस्ट बनाने में व्यस्त है। द पिकनिक बास्केट इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ हर। पिकनिक का बास्केट उसके सामने पड़ा हुआ है, हाफ पैक्ड मतलब आधा भरा हुआ। इसको ऐसे देखते हैं, पिकनिक का बास्केट उसके सामने आधा भरा हुआ पड़ा है। ओके, नेक्स्ट लाइन। मम वॉक्स इन विथ अ बॉक्स ऑफ मफिन्स। मफिन्स में होता है केक का डब्बा। उसकी माँ एक केक के बॉक्स के साथ आती हैं और पूछती हैं, व्हाट आर यू डूइंग रिंसी? रिंसी तुम क्या कर रही हो? मेकिंग द पिकनिक लिस्ट मॉम। रिंसी जवाब देती है, मम्मी पिकनिक का लिस्ट बना रही हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू फॉरगेट एनीथिंग। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। मैं कुछ भी नहीं भूलना चाहती हूँ। What is, नहीं, that is all right dear, I am sure you will do a great job। मम्मी ने कहा, बहुत अच्छे, मुझे विश्वास है कि तुम बहुत अच्छे कार्य करोगी या अपना कार्य अच्छे ढंग से करोगी। Do not forget the hand, towel and this box of muffins। उन्होंने मफिन्स का यानी केक का डब्बा देते हुए कहा कि तौलिया भी रखना मत भूलना इस बॉक्स के साथ। नेक्स्ट लाइन। इट वॉज डैड हु ऑलवेज पैक्ड द पिकनिक बास्केट। पिताजी हमेशा पिकनिक बास्केट पैक करते थे। रिंसी लव्ड हेल्पिंग हिम। रिंसी उनके साथ पैक करने में उनकी मदद करती थी या पैक करने में उसको अच्छा लगता था। ओके स्टूडेंट्स, बट दिस टाइम सी वॉज पैकिंग फॉर द पिकनिक। लेकिन इस समय वह खुद पिकनिक का पैकिंग कर रही है। शी वॉन्टेड अ परफेक्ट संडे पिकनिक। वह एक अच्छी तरह से
पूर्ण रूप से पिकनिक पैक करना चाहती है। शी वॉन्टेड अ परफेक्ट संडे पिकनिक, वह एक पूर्ण रूप से पिकनिक संडे का चाहती है। प्लीज कीप दिस बुक फॉर मी, से डैड, पिताजी ने कहा, कृपया इस किताब को भी मेरे लिए पैक कर देना, अर्थात उसमें रख देना। रिंसी टिक्स ऑफ द आइटम इन हर लिस्ट एज सी पैक, रिंकी पैक करते हुए प्रत्येक आइटम यानी प्रत्येक वस्तु के सामने अपने लिस्ट में निशान लगाते जा रही थी, सही का निशान। टॉबी इज आल्सो हेल्पिंग हर पैक, टॉबी भी, टॉबी उसके डॉगी का नाम है, टॉबी भी उसके साथ उसका मदद पैक करने में कर रहा था। ही पुल्स आउट रोहन्स फ्रिस्बी फ्रॉम अंडर द सोफा, उसने सोफा के नीचे से रोहन के फ्रिस्बी को बाहर खींच लाता है। एक बार फिर फ्रिस्बी का यूज है, देखिए फ्रिस्बी कैसा होता है, टॉबी खींच लाता है, वो यहाँ पर है, ये डॉगी है और ये है रोहन का फ्रिस्बी, यही है, ये फेंक करके खेला जाता है। ओके चलिए बच्चों आगे की लाइन, ये है फ्रिस्बी फ्रॉम अंडर द सोफा, मतलब डॉगी ने रोहन के फ्रिस्बी को सोफे के नीचे से खींच लाता है। मम्मीज मैगजीन्स रोहन फ्रिस्बी, माई कलरिंग बुक एंड क्रेयॉन्स, अ प्लास्टिक बैग फॉर गार्बेज, द कैमरा, टॉबीज च्यू टॉय, स्कीपिंग रोप, डैड्स बुक, सी रीड्स द लिस्ट अलाउड, वह जोर जोर से लिस्ट को पढ़ती है। ओके वह जोर जोर से लिस्ट को पढ़ती है। मम्मीज मैगजीन, मम्मी का पत्रिका, रोहन्स फ्रिस्बी, रोहन का फ्रिस्बी, माई कलरिंग बुक, मेरा कलर का बुक और क्रेयॉन्स, अ प्लास्टिक बैग फॉर गार्बेज, कूड़े के लिए एक प्लास्टिक का बैग, द कैमरा, टॉबी च्यू टॉय, टॉबी को चबाने के लिए खिलौना, स्पीकिंग स्कीपिंग रोप, उछलने वाली रस्सी और पिताजी का बुक, वह यही नाम लेकर के जोर जोर से पढ़ती है। सी इज सो हैप्पी, सी इज सो हैप्पी टू सी द पिकनिक बास्केट रेडी, वह पिकनिक बास्केट को तैयार देख करके बहुत खुश होती है। मॉम डैड रोहन टॉबी एंड रिंसी आर गोइंग फॉर ए फैमिली पिकनिक नियर द लेक, माँ पिताजी रोहन टॉबी और रिंसी पास के झील के पास फैमिली पिकनिक मनाने जा रहे हैं या परिवार के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। रिंसी कॉल्ड माम, वी आर रेडी, रिंसी अपनी मम्मी को कहती है, जब पूरा पैक कर लेती है तो बोलती है, मम्मी हम लोग तैयार हैं, वी विल लीव इन 10 मिनट्स, कमिंग माम, उसकी माँ आते हुए बोलती है, हम लोग 10 मिनट में चल देंगे। आई होप आई हैव पैक्ड एवरीथिंग, थॉट रिंसी, थॉट मीन्स होता है सोचा, एवरीथिंग हर चीज हर वस्तु, रिंसी ने सोचा कि आशा है, आई होप मैं आशा करती हूँ कि मैंने सभी चीज़ें पैक कर दी हैं। बो वो सेड टॉबी, टॉबी ने भौंकते हुए जवाब दिया या उसने भौंका, ही इज वेगिंग वेगिंग हीज टेल हैप्पीली,
वह खुशी से अपने पूंछ को हिलाता है। जब डॉगी ज़्यादा खुश होता है, आप लोग देखे होंगे, तो वो अपने पूंछ को हिलाता है और आपके आगे पीछे, यानी जिसका पेट होता है उनके आगे पीछे घूमता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, डैड द पिकनिक बास्केट इज रेडी, कैन यू पुट इट इन द कार प्लीज। रिंसी बोलती है, पिताजी पिकनिक बास्केट तैयार हो गया है, क्या आप कृपया इसको कार में रख सकते हैं। डू यू थिंक रिंसी पैक्ड एवरीथिंग, क्या आपको क्या बता सकते हैं कि रिंसी ने सभी चीज़ें पैक कर दी। ये पूछा गया है, जो लेखक है वो पूछ रहा है, जो पढ़ने वाला है या जो पढ़ रहा है उससे, क्या आप बता सकते हैं कि रिंसी ने सब कुछ पैक कर दिया। सो स्टूडेंट, आई थिंक द टॉपिक इज हियर फिनिश्ड एंड आई विल डू योर एक्सरसाइज नेक्स्ट डे। सो थैंक यू।